ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह आपके कपड़ों के साथ। ये देखो कपड़े भिगो के रखे हैं, तो कपड़े धोने हैं और यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए, मेरे बच्चे भी ना, कल देखो मनी प्लांट उसने लगा के जो गिराया था ना, तो पूरा गीला हो गया, तो इसको भी धोना पड़ेगा। और ये देखो ये एक ऐसे सोया हुआ है, लग रहा है कि जंक करने जा रहा है, आप ये देखो। एंड ये जब सब उठेंगे तब बेड ठीक करूँगी। सो अभी मैं ब्रश करके शार लूँगी। Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? ना सुबह सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, सोचा कि यार सुबह से ही ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि देखो आज मन मेरा बड़ा दुखी हो रहा है यार, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, क्योंकि सावन का जो है लास्ट सोमवार है एंड इस सोमवार के लिए पूरे एक साल वेट करना पड़ेगा। एंड इतने दिनों से जितने भी श्रद्धालु थे मेरे मन से पूजा कर रहे थे, एंड क्योंकि मैं सावन में एक महीना मंदिर जाती, तो आज थोड़ा सा दुखी लग रहा है, तो आज मीन्स आज लास्ट सोमवार है, तो मैं कुछ करूँगी, मीन्स मैं पूजा करने जाती हूँ मंदिर में, आज भी जाऊँगी, तो आज मैं बेलपत्र पर की जो सामग्री है वो रखूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। बेलपत्र मैं खरीद के लाई थी मीन्स बाबा को चढ़ाने के लिए, मुझे 8 बेलपत्र चढ़ाने का मन था, 108 बट नहीं मिला, किसी ने नहीं दिया मुझे, तो मैं 51 बड़ी मुश्किल से 2-3 दुकान घूम घूम के फिर 51 मैंने लाए हैं बेलपत्र। तो जब भी आप बेलपत्र चढ़ाते हो, और मीन्स देखो मैं कोई पुजारी नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसे करती हूँ, तो मैं मुझे लगा कि मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। इसको मैं सबसे पहले धोऊंगी, देखो धो बस, पानी इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर देना है। बाद में ये देखो ये है मक्खन, तो बोला जाता है कि अगर सोमवार के आखिरी दिन आप 108 बेलपत्र पे या 51 बेलपत्र पे या 21 11 जैसे भी आपके पास है उस पे मक्खन, पहले सबसे पहले आपने मक्खन लगाना है थोड़ी थोड़ी बेलपत्र के ऊपर, ये देखो, और उसके बाद मिश्री, एक एक मिश्री लेना है एंड मिश्री को इस तरह रखना है। ऐसे करने से आपके घर में अगर किसी भी तरह की परेशानी है या शारीरिक कष्ट है तो उनसे मुक्ति मिलती है। देखो मैं बहुत बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों में, क्योंकि इनसे किसी का नुकसान नहीं होता है, जहाँ तक ये अच्छा ही होता है, तो मैं इस तरह से सारे बेलपत्र पे मक्खन लगाऊंगी एंड मिश्री का भोग लगाऊंगी। ये थाली बिल्कुल रेडी है, सब बेलपत्र में मैंने मक्खन मिश्री को लगा लिया है एंड जो भी पूजा की सामग्री होती है। अब मैं मंदिर जाऊंगी एंड मंदिर से आके आपसे मिलती हूँ। पूजा कर लिया है, पूजा वूजा करके आ गई हूँ मंदिर का, घर का सब पूजा हो गया, मीन्स बहुत अच्छा लगा यार आज पूजा करके, क्योंकि आज सच में पता नहीं मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि आज लास्ट डे है मीन्स सावन का। तो अभी चलो देखती हूँ कि नाश्ता नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पवन चले गए हैं, तो बस हम लोग 3 जन हैं, तो आज मंडे है, तो आज बिना लहसुन प्याज की भी सब्जी बनेगी, मीन्स खाना बनेगा, तो जल्दी से कुछ सिंपल सा आज बनाऊंगी एंड आज थोड़े बहुत काम है उसको निपटाऊंगी। पूजा हो गई, अभी थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए तो अच्छा है, तो आज बिना लहसुन प्याज के खाना है, तो नीचे जो भैया है वो बिना लहसुन प्याज के ही कचौड़ियाँ बनाते हैं, तो यही आया है हम लोगों के घर में, तो जल्दी जल्दी इसको अभी मैं, पहले बहुत तेज भूख लगी है यार। अब ये देखो मुझे चोट लग गई, तो ये नाखून कैसे हो गया, इसको से लग गई मुझे, तो ये नाखून उखड़ गया, अब इसको नेल कटर से स्टिच करना पड़ेगा, मीन्स कट करना पड़ेगा, दर्द दे रहा है यार, कैसे तो ब्लड नहीं निकला, तो इसको अभी काटना पड़ेगा। देखो सारे कपड़े जो है अभी फैलाना तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बारिश एक बार हो रही है फिर रुक जा रही है, तो बाहर तो सोच रही हूँ अंदर ही सारे कपड़े को मीन्स जो है फैला देती हूँ ताकि सूख जाए, क्योंकि बारिश में तो एक दिन में कपड़े सूख नहीं रहे हैं। और इधर देखो पूजा की बर्तन सब धोए थे, तो इसको रखना है कवर्ड में, तो अच्छे से सुखा के तब रखूँगी। अभी कपड़े फैलाना हो गए हैं, बाकी अभी जो बर्तन जो है धो के रखे थे सारे बर्तनों को सेट करी, और ये देखो अभी धोया नहीं कि फिर बच्चों ने नहाया तो इतना कपड़ा निकल गया, तो इसको भी आज देखो मैंने इस तरह की झुमकी पहनी है, बहुत मुझे बहुत पसंद है, 30 रुपीज़ में ली थी एंड बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी है अपनी ड्रेस के मैचिंग की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा बताना। और आपने ये ट्राई किया कि नहीं किया, बनाया कि नहीं बनाया, ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग में शेयर करा था, वो ब्लॉग में लास्ट में दे दूंगी, बहुत ही ईजी है, बहुत ही खूबसूरत होता है इसे बनाना, प्लीज़ ट्राई करिएगा। बर्तन धो के रखे हैं सारा यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे जो है बर्तन को रखती हूँ, क्योंकि मेरा कोई कैबिनेट नहीं है, तो यहीं पे मैं स्टोर कर रखती हूँ, उसे कलर कर दिया था मैंने,
तो इस तरह से बर्तन को, क्योंकि छोटा वाला बास्केट ना यार उसमें मेरे बर्तन नहीं आएंगे, तो इसी तरह से मैं टब में धो के रखती हूँ, जब पानी निकल जाता है तब धोती हूँ। तो इसको अभी सेट कर दे रही हूँ। किसी को बर्तन चाहिए क्या? बर्तन ले लो, बर्तन बर्तन तो बर्तन ले लो यार, कपड़े चेंज करके बर्तन चाहिए तो बोलो। सो अभी जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड अचानक मुझे जो चाय पे, और उधर देखो मेरी साड़ी जो है मैंने सूट करा था उसे रखा है, एक्चुअली तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई तो उसे उठा के मैंने रख दिया गेट के ऊपर में, अभी उसको फोल्ड करके रखूँगी। एंड ये देखो बिल्कुल नहा धो के चंपूस राम बन गया है मेरा बेटा, और अभी मुझे पता नहीं 2 बजे चाय पीने का मन हुआ तो अभी चाय बनाया है। देखो देखिए मुझे भी दीजिए, चाय अच्छा लगता है तो तुमको? देखो यार मेरे बेटे को खुश करना है ना, प्लीज़ अब अपने घर में बुलाओ और एकदम भर भर गिलास इसको चाय पिलाओ, एकदम मेरा बेटा खुश हो जाएगा, झाड़ू पोछा बर्तन सब करेगा आपके घर का, है ना? नहीं झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करना है ना? तो अभी बस चाय पीऊंगी मैं, उसके बाद लगभग आधे घंटे के गैप करके खाना खाऊंगी। बारिश हो रही थी एंड अचानक से ये धूप निकल गई, मीन्स गर्मी से ना यार बुरा हाल हो रहा है, इतनी गर्मी लग रही है। किचन देखो ना, इसीलिए तो मैं काजल कुछ भी नहीं लगाती, बस मंदिर जाना था तो थोड़ा रेडी भी हो गई मंदिर के बहाने। आप सब कैसे प्लीज बताइएगा, प्लीज बताइएगा इसको, चंपूस राम को बताइएगा। नहीं नहीं चंपूस राम नहीं, ये अर्पित है, अर्पित अर्पित। तो अभी लगभग सारे काम हो चुके हैं, मीन्स खाना वाना रिसी पर खाना खा रहा, क्योंकि उसकी मैम आने वाली है। और इतना अच्छा बेड देख के ना यार, मीन साफ सुथरा बेड देख के ना बिल्कुल सोने का मन करता है, लेकिन सो नहीं सकती, अभी बहुत काम पड़ा हुआ है। आप ये देखो ये सोफ़ा का जो कवर है ना, जो मैंने शेयर भी करा था कि अगर आपका जो सोफ़ा है अच्छे कंडीशन में नहीं तो किस तरह से रख सकते हो, वीडियो चेक कर सकते हो आप। तो इसके साथ थोड़ा सा मुझे आज एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि ये कवर ना थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इधर साइड से काट के इसको काटूंगी नहीं मीन्स, क्योंकि ये बहुत पतला है तो थोड़ा मोड़ के सिल दूंगी, तो इसमें थोड़ा मीन्स वॉल्यूम भी आ जाएगा तो बार बार खिसकेगा नहीं। तो इसको अभी मैं ठीक करूँगी, और पवन भी आ गए हैं नहा रहे हैं तो वो निकलेंगे, तो साथ में खाना खाऊँगी, खाना खा के फिर कवर जो है वो मैं इसे लगाऊँगी। तो चलो काम करती हूँ यार, लेकिन सच में बहुत नींद आ रही है, आज पक्का आधा घंटा तो पक्का सोऊंगी दोपहर को। क्या हुआ? नहीं अभी लूडो खेलने का टाइम नहीं, अभी हमको बहुत काम है बेटा। और वो देखो उधर आपको दिख रहा होगा वो कौवा महाराज, मैंने खाना दिया है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, वो देखो मैंने खाना दिया है तो वो खाना खा रहा है। तो इस तरह से मैं रोज़ खाना देती हूँ उन लोगों को। और बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों को पिकाचू से नहीं मिलवाया है, तो आप लोगों को पिकाचू से मिलवाती हूँ। ये देखो पिकाचू का वो लोग स्वेटर कहाँ फेंक दिया, मुझे मिला ही नहीं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा, क्योंकि वो इसका बचपन का स्वेटर था, मैंने इतने दिनों से संभाल के रखा था कि उसके बाद मैंने इसको पहनाया, बट इसको पता नहीं उन लोगों ने कहाँ फेंक दिया। ये कपड़ा भी बहुत मीन्स बड़ा हो रहा है, इसके साइज़ का कुछ मिल ही नहीं रहा है। सो चलो अभी देखूंगी, जाऊंगी मम्मी के घर में तो कुछ छोटे मोटे कपड़े होंगे तो इसके लिए लेके आऊंगी। उसको देखो इसको जर्मन सीखने का शौक चढ़ा है, फोन लेके सारा दिन वो जर्मन सीखने का कोशिश कर रहा है। हाँ तो जर्मन सीखने का इसको मन है, पता नहीं अचानक से इसको जर्मन सीखने का मन कर रहा है। देखो क्या क्या मतलब वो टाइप कर रहा है, सीख रहा है कुछ कुछ वर्ड। चलो अच्छा है, कुछ अच्छी चीजें सीख रहा है तो अच्छा ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज नेक्स्ट डे है, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आधे घंटे सोऊंगी, बट आधे घंटे क्या मैं 2-3 घंटे सो गई, इतना स्टैमिना खत्म हो गया था। देखो महीने में लगता है 3-4 बार तो ऐसा होता ही है कि आपकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है, स्टैमिना नहीं रहता। तो अभी दोपहर के 2 से 2:30 बज रहे हैं, एक्चुअली जो स्पीकर हम लोग लेके आए थे आप लोगों के साथ शेयर करा था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको चेंज करने का जो है बात चल रहा है, वो आए हुए हैं जो भी मीन्स उसे रिपेयर करते हैं, तो देखो आगे क्या होता है। ऐसे भी वो मुझे पसंद नहीं था वो स्पीकर, ऐसे वो स्पीकर मुझे पसंद नहीं था, तो देखो वो स्पीकर चेंज होता है कि नहीं, फिंगर क्रॉस्ड एंड होप सो कि वो स्पीकर चेंज हो जाए यार फाइनली। उसे देख देख के ना मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। फाइनली दिस स्पीकर इज गोइंग एंड आई एम सो हैप्पी यार, मेरा मन का जो मुराद है वो पूरा हो गया एंड ये स्पीकर जो है फाइनली रिटर्न हो रहा है। लड़का नहीं मेरा भाई था वो, लड़का नहीं मेरा भाई था वो। उसका घर नहीं मेरा घर हुआ, ये बोलिए उसका घर मतलब मम्मी का। चलो साइन कर।
कि अभी जो है साइन वगैरह वो ले रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि चांसेस है स्पीकर जो है वो रिटर्न हो जाएगा, तो देखो आगे क्या होता है। होप तो यार पक्का 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 वो आप बोलोगे दी स्पीकर के पीछे पड़ गई। देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, वो स्पीकर जो है वो रख रहे हैं हम लोग जब कैबिनेट के ऊपर, तो उसके साउंड में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ में अगर पैसे लगे हैं तो वो चीज़ यूज़ नहीं आएगी, तो आपके 100 रुपये भी बेकार है। एंड अगर यूज़ आएगी तो 50,000 भी आपको नहीं लगता है कि मैंने इन्वेस्ट करा है। तो बात यही है। Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? वैसे टाइम नहीं मिला था कि पौधों को पानी दूँ, तो अभी जो है पौधों को पानी दिया है। एंड दे दिए बेटा हम पौधों को पानी, कल तुम देना। अच्छा सॉरी, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि ये हमेशा प्लांट में पानी देने के लिए बोलता है, मुझे याद ही नहीं रहता है, मैं दे देती हूँ पानी। तो अभी मैं अपने एक टॉप को ठीक करूँगी, फिर एक टॉप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था ना, उसका हाथ जो है बहुत अजीब सा है। तो चलो उस टॉप को जो है पहले ठीक करती हूँ, उसमें मैं क्या जुगाड़े लगाती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये वो टॉप है, देखो हाथ इसका इतना फ्लेयरी है कि घर में तो मैं इसे नहीं पहन सकती, और ये कॉटन का है तो मैं घर में ही इसको पहनूंगी, यूज़ करूँगी। तो इसमें मैं क्या करूँगी, ये हाथ जो है इतना बड़ा है, एंड यहाँ से भी ये जो बेल स्लीव है तो फुल है, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आप क्या करूँगी, इस तरह का एक इलास्टिक लूँगी, ये देखो कि इलास्टिक लेके आपको क्या करना है, अपने रिस्ट का साइज लेना है इस तरीके से, ये देखो। एंड रिस्ट का साइज लेने के बाद में बिल्कुल आपने टाइट नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा ढीला पकड़ना है, क्योंकि मेरा जो टॉप का फ्लेयर है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत छोटा भी जब आप रखोगे इलास्टिक जब आप पहनोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से देखो मैंने इतना लूज रखा है, आप देख लो। उसके बाद में इसके 2 टुकड़े काटूंगी, मतलब इसकी ही साइज के, ये देखो। ये जो है इलास्टिक, ये जो आप लाल पट्टी देख रहे हो ना, आप बिल्कुल किनारी में मत चलाना इलास्टिक, ये जो बीच में है ना, बीच में करके आप, ये देखो बीच में आप करोगे तो बहुत ही अच्छा सा मीन्स रफिल क्रिएट होगा, चून क्रिएट होगा, एंड पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से करना आप देखो, मिडिल में रख के पूरे में अपने घुमा देना है। ये देखो ये जो है इलास्टिक मैंने लगा दी, लेकिन इसमें मेरा जो फ्लेयर था आपने देखा था कितना ज़्यादा था, तो ये हाथ पे ग्रिप अच्छे से बैठ नहीं रही है। मैं इसलिए शेयर करूँ कि अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का स्लीव है एंड आप उसे ठीक करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये देखो मैं पहन के दिखाती हूँ, ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे जो ग्रिप है वो अच्छे से पकड़ नहीं रही है, क्योंकि मीन्स जो है ये फ्लेयर बहुत ज़्यादा था। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मार्जिन है मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये जो मार्जिन है ना, यहाँ से मैं 1 या 1.5 इंच जितना भी मेरा स्लीव है मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दूंगी जिससे वो फिट हो जाए। बेल स्लीव थी वो बलून स्लीव में कन्वर्ट हो गई, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। एंड अब मैं इसे बहुत ही ईजी घर पे पहन के काम कर सकती हूँ, क्योंकि देखो जब मुझे काम करना होगा तो इसमें मैंने इलास्टिक लगा दी है, तो ऊपर मैं पुल करूँगी तो इलास्टिक जो है फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो आई होप ये छोटा सा जो DIY है मेरा आपको अच्छा लगा हो, कि किस तरह से आप अपने मिस प्लेयर वाले स्लीव को ठीक कर सकते हो। तो ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स, मेरी फैमिली अच्छी लग रही हो, आपको ब्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लग रहा हो, मेरे छोटे मोटे DIY रेसिपी, फैमिली कुछ भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो आज का ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू, बाय बाय, लव यू।